अभी के टाइम इलोन मस्क हर कंट्री के हर न्यूज चैनल के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट बन चुका है एंड स्पेशली कुछ दिन पहले ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर पे खरीदने के बाद हर जगह पे उनका नाम का कंटिन्यूअसली एक डंका बजी जा रहा है। बट आज एक इलोन मस्क की मैं आपको अननोन फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल ये नहीं जानता है। इलोन मस्क हमेशा फ्यूचरिस्टिक हाइपर ग्रोथ वाली कंपनीज पे ही ज्यादा इन्वेस्ट करता है एंड उनका इन सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का पीछे का एक इवल स्ट्रेटेजी भी है जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी इलोन मस्क के पास टोटल 4 सेपरेट मल्टी बिलियन डॉलर एंड एक 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी लास्ट 2 डिकेड से इनके पास प्रेजेंट है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर कंपनी मतलब टेस्ला एंड 4 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी मींस स्पेसएक्स, सोलर सिटी, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बाकी बिलियनियर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। मास्क सिर्फ दो ही कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा बिलीव रखता है। तो नंबर 1, जिस कंपनी में उनका मैक्सिमम कंट्रोल हो और वो खुद जिस कंपनी का ओनर है एंड दूसरा क्रिप्टो करेंसी में। और ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि ट्विटर के अलावा इलोन मस्क द इलेक्ट्रिक जायंट कंपनी टेस्ला का भी ओनर है। बट क्या आप जानते हैं इलोन मस्क टेस्ला के फाउंडर कभी था ही नहीं, वे सिर्फ टेस्ला के एक बिगिनर इन्वेस्टर था। फ्यूचर को देखते हुए इनका स्ट्रेटेजी था कि इस कंपनी में मेजोरिटी स्टेक एक्यूमुलेट करना एंड साल 2008 में कंपनी के मेजर स्टेक रहने के चलते वे टेस्ला के ओनर बन गए। स्पेसएक्स के साथ साथ इलोन मस्क की मैक्सिमम टनल द बोरिंग कंपनी एंड न्यूरोलिंक में भी सेम है एंड इनका दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट। अभी इनका क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ एग्जैक्ट अमाउंट हम सबके लिए थोड़ा अनक्लियर है बट बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्रिप्टो में एक डार्क स्ट्रेटेजी लगाकर रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ह्यूज अमाउंट अर्निंग भी किया है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि इन्होंने ऐसा बहुत बार पहले भी कर चुका है। और इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं पास्ट ईयर की एक एग्जांपल को ले लेता हूँ। तो साल 2021 के फरवरी महीने में बिटकॉइन का प्राइस इंडियन मनी में 28 लाख प्लस था और इलोन मस्क ने उस टाइम ट्वीट किया कि यू कैन नाउ बाय ए टेस्ला कार विद ए बिटकॉइन। और उसी दिन से बिटकॉइन का प्राइस अचानक बढ़ने लगा एंड उसके ठीक 3 महीने बाद यानी कि मई 2021 में इलोन मस्क अगेन रिट्वीट करके हम सबको ये बताया कि बिटकॉइन इज अनसेफ फॉर आवर एनवायरमेंट। और सिर्फ एक महीना में यानी कि जून आते आते बिटकॉइन का प्राइस 44 लाख से गिर के फिर से 25 लाख पे आ गया। अब आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि फरवरी महीना में इलोन मस्क अपना फर्स्ट ट्वीट करने से पहले एक ह्यूज अमाउंट बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया था एंड सेकेंड ट्वीट करने से पहले वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ह्यूज प्रॉफिट्स के साथ विड्रॉल कर लिया। तो इस बीच में ट्रैप कौन हुआ? सिर्फ आप और हम, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है कि इलोन मस्क का इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे और उनमें से 10% ऐसे फॉलोअर्स होंगे ही होंगे जो ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करता है क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर प्लेनेट ईयर। एंड इलोन मस्क हमेशा डोजकॉइन को कंटिन्यूअसली प्रोमोट करता है बट क्यों, इसका परफेक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, ये तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था इलोन मस्क का 2 टाइप्स के डार्क इन्वेस्टमेंट सीक्रेट स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।